हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी, वो भी वाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं हम चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन टिक्का लिया हुआ है और इसमें हम हरी मिर्च की 2 चम्मच भर के पेस्ट डालेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और 1.5 चम्मच भर के हम गरम मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, फिर धनिया और जीरे का पाउडर डालेंगे, ये भी 2 चम्मच भर के है फ्रेंड्स। अभी हम इसमें 1 छोटा कप भर के क्रीम लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी 1 कटोरी भर के हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसको हम 3-4 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख देंगे। मसाले को अच्छे से सारे चिकन पे लगा दिया है। अभी इसको हम 5-6 घंटे या 4-5 घंटे, जैसे आपके पास समय हो उस हिसाब से आप इसको मैरिनेट के लिए रख सकते हो। जितने भी ज़्यादा आप रखोगे उतना आपका चिकन सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, अभी हम पैन रखेंगे। पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है, आप बटर भी ले सकते हो। फिर हम इस चिकन टिक्का को फ्राई करेंगे और एकदम गोल्डन होने तक उसको फ्राई करेंगे हम। फिर बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसको हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, गैस की फ्लेम स्लो नहीं करनी है, फुल फ्लेम पे ही हम पकाएंगे इसको, क्योंकि हमें वो ब्राउन कलर की चिकन टिक्का चाहिए। देखिए हमारे चिकन टिक्का अच्छे से अभी हो गए हैं, इस तरह से हमें बनाने हैं। बाद में हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। अभी इसके लिए हम ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है, उसमें हम 3 बड़े चम्मच मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का लेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। और 3 बड़े प्याज लिए हुए हैं, इसको इस तरह से काट के हम इसमें ऐड करेंगे। ये ग्रेवी बनानी है हमें, व्हाइट ग्रेवी। अभी प्याज को बस हम सॉटे करेंगे। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट ही बनाना है। इसको 5 मिनट तक होने देते हैं। हमारा कोयला गर्म हो गया है, अभी हम इसको बटर थोड़ा डाल के स्मोक करेंगे। इसको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। और हमारी प्याज भी हो गई है ग्रेवी के लिए रेडी, तो अभी हम इसको बंद करके ठंडा करेंगे और मिक्सी में उसको पीस देंगे। हमारा प्याज वगैरह अच्छे से ठंडा हो गया है, अभी एक मिक्सी जार में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। फिर इसमें 1/2 कटोरी हम दही ऐड करेंगे और ये थोड़ा पुदीना है और धनिया के पत्ते, अभी हम इसमें ऐड करेंगे इसको। फिर हम थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे इसमें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पैन गरम हो गया है, अभी हम इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और लविंग और 1 तज का टुकड़ा लेके इसको हम सॉटे करेंगे थोड़ा। हमारी जो ग्रेवी हमने बनाई है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे।
नमक और अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप वापस इसमें हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालती हूँ और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च की पेस्ट डालूंगी आधा चम्मच, और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अभी इसको अच्छे से हम सॉटे करेंगे, बराबर से ग्रेवी बनाएंगे। फिर ग्रेवी को हम चिकन टिक्का में हम ट्रांसफर कर देंगे। ग्रेवी को हम 10 मिनट तक इसको अच्छे से सॉटे करते जाएंगे। हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, अभी हम इसको वो चिकन टिक्का में ट्रांसफर कर देंगे। ये हल्का सा ग्रीन कलर आया है जो हमने पुदीना और कोथमीर डाला है इसकी वजह से। अगर आपको प्योर पूरी व्हाइट कलर की चाहिए तो आप कोथमीर वगैरह ऊपर से काट के डालिएगा, ग्रेवी में मत डालिएगा, पर टेस्ट इससे अच्छा आएगा। अभी अच्छे से सबको हम मिक्स करेंगे। हमारी ग्रेवी चिकन के ऊपर अच्छे से लग गई है, फिर 2-3 मिनट तक हम उसको सॉटे करेंगे। अभी हम गैस बंद कर देंगे। हमारी ग्रेवी रेडी है और ये मैंने 750 ग्राम चावल लिए हुए हैं बासमती राइस, उसको मैंने तज, लविंग और लाल मिर्च के साथ बॉईल किया हुआ है। पहले हम थोड़ी ग्रेवी डालेंगे बड़े बटर में। नीचे थोड़ी सी ग्रेवी हम ऐड करेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा राइस डालेंगे। इसको एक के बाद एक हम लेयर करते जाएंगे। पे मसाला अच्छे से लगता रहे। इस तरह हम ऊपर चिकन और राइस एक के बाद एक हम डालते जाएंगे। वापस अभी चिकन डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा तला हुआ प्याज डालेंगे। और हल्का सा धनिया और पुदीना डालेंगे। वापस हम अभी इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। वापस राइस डालेंगे। अभी हम इसको पूरी ग्रेवी से कवर कर देंगे। वापस थोड़ा राइस डाल के हम अभी इसमें तले हुए प्याज पूरे ऐड कर देंगे हमारे। और पुदीना और धनिया इसको भी हम इसे डाल के अभी डम पे इसको पकाएंगे 10 मिनट। इससे पहले हम इसे थोड़ा थोड़ा देसी घी ऐड कर देंगे। मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें घी ऐड कर रही हूँ। बस अभी हम इसको दम पे 10 मिनट तक होने देंगे। 10 मिनट हो गई है दम पे रखे हुए। हमारी व्हाइट चिकन बिरयानी रेडी है, तो चलिए हम सर्व करते हैं इसको। आई एम श्योर ये बहुत ही टेस्टी बनी होगी
और फ्रेंड्स आप प्लीज एक बार ट्राई करिएगा इसको बनाने के लिए। चलिए हमारी व्हाइट चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है। एंजॉय फ्रेंड्स।